यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को क्लास सिक्स का चैप्टर सिक्स रेस्ट एंड मेजरमेंट एंड मोशन, आज का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। काफी इंपॉर्टेंट बात है नेचर का। इन द मेजरमेंट ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड टाइम आर नेसेसरी टू फाइंड द पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो बच्चों, जितने भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मेजरमेंट में हम लोगों ने देखा था, उसमें खासकर डिस्टेंस और टाइम को केयर करेंगे, क्योंकि यही दो फैक्टर्स है जो हमको मोशन और रेस्ट को डिसाइड कराएगा। रेस्ट और मोशन को समझने के पहले कुछ यहाँ सिचुएशन है। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड ए नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स हैं, जैसे चेयर हैं, टेबल्स हैं, बेड्स हैं, किचन यूटेंसिल है, वाटर बकेट्स है, नंबर ऑफ अदर थिंग्स हैं इन आवर हाउसेस। ये सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। देर आर अदर हाउसेस इन द नेबरहुड, आसपास में और भी घर होते हैं, एंड ऑल्सो मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स नियर बाई, आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे, ये सब भी हम लोग देखते हैं। तो वी ऑफेन सी मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों को हम लोग देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं, साइकिल्स, मोटर व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स अराउंड अस, ये सारे चीज हम लोग देखते हैं नेचर। वी कैन ऑफ कोर्स ऐड मेनी मोर थिंग्स टू दिस लिस्ट। सो हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रेस्ट एंड मोशन व्हेन वी ऑब्जर्व ऑल दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर नेबरहुड। एनिमल्स आर, सम एनिमल्स आर वॉकिंग, रनिंग हियर एंड देयर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, साइक्लिस्ट रनिंग द साइकिल, Similarly, motor vehicles are moving on the state road. Buses are also running on the road. Trains are also fast moving on a track. Aeroplanes are also moving in the space, in the sky. So, all things we observe that decides the meaning of the rest and motion. Let us see how to understand the meaning of the rest. The number main point. Do we observe the basic difference in varieties of the things around us? जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जो चारों चीज वैराइटीज ऑफ थिंग्स हम लोग के चारों होती है। वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम आर वेयर दे वेयर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे और इवन बिफोर दैट, and there are others which keep on changing their position even while we are looking at them. कुछ चीज को देखते हैं हम लोग, कोई जो भी ऑब्जेक्ट है कहीं एक जगह है, कुछ अदर्स थिंग्स है जो चेंज ऑफ पोजिशन करता रहता है अपना। तो वी से दैट फर्स्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट while the second type of the object are in motion. ये तो बच्चों एक साधारण सिचुएशन है। एक्चुअल में जो रेस्ट की बात हम लोग करते हैं या मोशन की बात करते हैं, उस कंसेप्ट को डिफाइन करने के पहले इशारे सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। हाउ डू वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज एट रेस्ट, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। इट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बहुत रिमार्केबल बात है यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन में क्या चेंज हो रहा है खासकर विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन वी कॉल इट the object is in motion, and if it is not changing with respect to the same surrounding then we call the object at rest.
तो यहाँ पे हम लोग सोचे, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दिस ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम एनी वन पोजीशन। मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट स्पेस में, वो इज द फिक्स पॉइंट, सपोज कर लो वो इज द फिक्स पॉइंट। सोचो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन कर लिया, आगे थोड़ा चला जा रहा है, ठीक है, नया पॉइंट पर आ गया बी पोजीशन। अब देखो इसका क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन से ए पर देखा जा रहा था, ये अब ये मान लो टी वन टाइम पे था और बाद वाला टाइम में जाके लेटर टाइम में इट कम्स टू द पॉइंट बी, तो देयर इज सम चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो हाउ टू डिफाइन द रेस्ट एंड हाउ टू डिफाइन द मोशन, दिस इज अ वेरी रिमार्केबल पॉइंट। वी कैन डिफाइन एज इट इज गिवन, एज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कब, इफ ही डज नॉट चेंज इट पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। उसका इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, उसके ये फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो है, फिक्स पॉइंट है, कहीं पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसके अपेक्षा में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इन पोजिशन इट इज गिविंग एट रेस्ट, मान लो एक्स वन पोजिशन पर है, टी वन सेकेंड में एक्स वन पोजिशन पर है, एंड द ऑब्जेक्ट इज इफ नॉट चेंजिंग, वो बी पे नहीं जा रहा, ए पर ही रह जा रहा, देन वी कॉल दिस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सो इफ देर इज नो चेंज इन पोजिशन, हाँ देखो ये चेंज बोल रहे हैं, चेंज इन पोजिशन, ध्यान देना, अगर ये चेंज इन पोजिशन नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं कर रहा है, then the object is said to be at rest. So, for example, you can think of book on the table. If you are keeping the book on the table and you are observing, it is remaining at the same position, it is not changing, then change of position of the book is zero, no change. Time is also not changing, then the object is said to be at rest. ये बात का ध्यान रखना। उसके बाद next, what is the meaning of motion? An object is said to be in motion if it keeps on changing its position. अगर कोई object अपना position बदलता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, उसके अपना इमीडिएट सराउंडिंग की अपेक्षा, देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। ये ध्यान में रखना। सिमिलरली सपोज दैट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, वो इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, कोई आदमी है वहां पर खड़ा है, देख रहा है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ ये कार है मान लो, चलो एक छोटा सा कार ले लिए, अब ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, ए पोजीशन पर है, टाइम काउंट करो कितना डिस्टेंस पर है, उसको नोट डाउन करो। पोजीशन को जनरली हम लोग एक्स बोलते हैं, बोल सकते हो एक्स मतलब पोजीशन होता है, तो पहला वाला पोजीशन को मान लो कि ये एक्स पर है, टाइम उसका है टी वन सेकेंड, हाँ अब ये कार क्या हो रहा है, स्टार्ट किया अपने चलना, ड्राइवर इसका चलाने लगा, ड्राइवर क्या किया कि आगे जाके कहीं पर नया पोजीशन पे आ गया, कार अब यहाँ रीच कर गया, ठीक है, कार एक न्यू पोजीशन पर आ गया, ठीक है, इट कम्स टू द पॉइंट बी। तो बी पर जब आ गया तो एक कुछ टाइम उसका ज्यादा दूसरा न्यू टाइम आ गया, तो तुम गौर करो कैसे लाओगे,
कैसे समझोगे कि ये मोशन में है कि नहीं? कार कहाँ गया? तो बाद वाला पोजीशन को यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ओ पॉइंट से ऑब्जर्वर बी पॉइंट को देख रहा है। हाँ, तो इसका हो गया फाइनल पोजीशन। हमने सोचा कि ये ओ से बी है, ये बाद में आ गया, पहले कहाँ पर था? ओ से ए, पहला पोजीशन था। अब कार ए से बी मूव किया, कार जब ए से बी मूव करेगा तो कितना चेंजेज आ जाएगा? ए बी कहाँ से लाओगे? पूरा फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन हटा दोगे तो ए से बी का डिस्टेंस आ जाएगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पर डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, तुम इसको डिस्टेंस बोल सकते हो कि ए टू बी डिस्टेंस। तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्क्राइब किया, और ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम कैसे चेंज होगा? बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम, दोनों को हटा दो, इसको टाइम इंटरवल बोलो। तो साइंस में कुछ नए टर्म यूज होते हैं, हाँ, इंटरवल्स। आप गौर करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए पोजीशन से बी पोजीशन, बी से फिर फर्दर मान लो और आगे भी मूव कर सकते हैं, तो वेन एवर दी ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग, देन दी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये डिफिनेशन काफी अच्छा है, ये आप केयर करें। आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ राइटर बोला द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस। देखो, जो हम अभी बोल रहे हैं वो यहाँ राइटर ऐसे बोल दिया। डिस्टेंस कैसे लाए? जब ए से बी पर गया कार, हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया पूरा। यहाँ यहाँ पर ऑब्जर्वर, वो इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, कोई देखता है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, ठीक है। इसको फिक्स पॉइंट बोलोगे, जहां पर ऑब्जर्वर खड़े होते हैं वो फिक्स पॉइंट लिए जाते। तो रेस्ट और मोशन, दो विचार यहाँ पर आया। रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, एंड द ऑब्जेक्ट व्हेन चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग, देन वी कॉल द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एज इट इज है, नहीं चेंज कर रहा अपना पोजिशन, जैसे बुक ऑन द टेबल मैंने बोला, डस्टर ऑन द डेस्क, पैसेंजर सिटिंग इन द बस, बस इज नॉट रनिंग, ऑल पैसेंजर्स आर सिटिंग, देन वी कॉल ऑल दी पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। तो ये सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आते हैं रेस्ट एंड मोशन में। अब आप आगे देखें, रेस्ट एंड मोशन का एक और इजी गोइंग है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। वी ऑफन नीड टू स्पेसिफाई द पोजिशन। जब तक किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशन हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हाँ, डिफरेंट टाइम्स में, तब तक हम लोग मोशन और इस रेस्ट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई टॉय कार है, यहाँ पर रेड कलर का टॉय कार है। देखो, यहाँ पर टाइम इज 0 सेकेंड। इफ टाइम इज टेकन 0 सेकेंड, देर इज नो चेंज इन पोजिशन 0 मीटर। तो वो पोजिशन पर कार है, टॉय कार, और द टॉय कार इज मेड टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा। अब उसमें क्या किए हम लोग, एक पॉइंट चूज कर लिए ओ, जो मैंने फिक्स पॉइंट पहले भी बोला था। दिस पॉइंट ओ इज टेकन एज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द टॉय कार इज स्टार्ट मूविंग, एंड द कार वॉज एट द पॉइंट ओ एट द टाइम टी इक्वल टू 0। जब यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड है तो रुका हुआ है, हाँ, पोजिशन 0 मीटर है, कार इज एट रेस्ट एट द पॉइंट ओ। अब देखो क्या हो रहा है, पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ टॉय कार आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अलग अलग पोजिशन कैसे आ रहा है? देखो, ओ से कार क्या है, मूव करके आ गया, हाँ, टी इक्वल टू 0 सेकेंड था, टी क्या हो गया, 5 सेकेंड हो गया। 0 मीटर से कार कितना पोजिशन पर आ गया, 5 मीटर पर आ गया एट पॉइंट पी। फिर कार फिर मूव कर रहा है, हाँ,
5 मीटर से वो 15 मीटर पर आ गया एट पॉइंट क्यू, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। फर्दर मोशन अगर डिसाइड करेंगे अब 20 मीटर पे कार आ गया एट आर पॉइंट, हाँ टाइम इज 15 सेकेंड। और कार मूव कर रहा है एस पोजीशन पे आ गया आर टू एस 25 मीटर पे आ गया, हाँ टाइम इज 20 सेकेंड। तो एट एवरी पॉइंट व्हेन कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड और ए स्ट्रेट लाइन, इट इज द पोजीशन ऑफ द कार एज वेल एज टाइम एट विच द कार इज एट दैट पोजीशन। तो यहां पर देखो कैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और कार अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। आप अगर मान लो इनिशियल पोजीशन को मान लो कुछ एक्स बोल दिया, ठीक है एक्स पोजीशन पर था, तो शुरू में देख रहे थे कि जब वो मान लो एक्स पर हमने 0 सेकेंड वाला पोजीशन को 0 मीटर को मैंने ऐसे बोला, चलो ये 0 मीटर पर है, उस समय टाइम की वैल्यू क्या है 0 सेकेंड है। इसको आप फॉर्मूला तौर पे लिख सकते हैं। जब वो पी पर आया तो पी का जो पोजीशन आया उसको मान लो कि वो पॉइंट पी वाला पोजीशन है 5 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ इस समय जो टाइम है पी पॉइंट वाला टाइम वो ओ पॉइंट वाला टाइम, ये पी पॉइंट वाला टाइम हम इसको 5 सेकेंड कर दिए, इस तरह से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो क्यू पोजीशन पर आएगा तो क्यू रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स क्यू, कितना मीटर पर है ये 15 मीटर पर है, टाइम एट क्यू क्या है तो 10 सेकेंड है। फिर फर्दर आ जाएंगे पोजीशन ऑफ द कार एट आर पॉइंट को एक्स आर बोल सकते हैं, आप इसको 20 मीटर ही रखो, टाइम एट आर को टी आर बोलो वो 15 सेकेंड है। फाइनल पोजीशन पे आ जाओ, अब चेंज इन पोजीशन लाएंगे, देखो चेंज इन पोजीशन कैसे लाएंगे, चेंज इन पोजीशन लाएंगे हम लोग जीरो टू, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम जीरो टू, देखो ध्यान से इसका 0 to 5 है तो 0 to 5 मीटर में चेंज इन पोजीशन कितना होगा 5 मीटर माइनस जीरो, तो 5, 15, 20, 25 ये दोनों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो इसमें चेंज इन पोजीशन ला रहे हैं, हाँ यहाँ पर चेंज इन पोजीशन में देखो कैसे लॉग, चेंज इन पोजीशन को जो पी पे कार पहुंचा था और वो ओ से चला था इससे निकल जाएगा, कैसे निकलेगा पी पर 5 मीटर है और ओ पर 0 है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। आप उसी तरह अगर वो P से Q के बीच में जा रहा है तो कितना चेंज आएगा, आप वहां भी चेंज निकाल सकते हो। हाँ चेंज लाने के लिए क्या करोगे, जब वो Q पर आएगा कार चला था कहाँ से P से, तो P का दोनों का पोजीशन रखो 15 मीटर माइनस 5 मीटर, ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इस तरह से आप हर इंटरवल ऑफ पोजीशन में फ्रॉम ओ टू पी 5 माइनस 0, फ्रॉम पी टू क्यू 15 माइनस 5 10 मीटर चेंज ऑफ पोजिशन ला सकते हैं। उसी तरह अगर क्यू से आर के बीच में लाओगे तो 20 माइनस 15 5 मीटर का आ जाएगा चेंज। एस और आर के बीच में देखो चेंज कितना हो रहा है 25 माइनस 20 5 मीटर का चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे कार अपना चेंज ऑफ पोजिशन करता है ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कार इज इन मोशन एंड डिस्टेंस इज डिस्क्राइब ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन में हम लोग कार का एग्जांपल लेकर के हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग इस सिंबल में
लिखते हैं डेल्टा एफ, इसको आप सीधे चेंज ऑफ पोजीशन बोला करोगे। टाइम इंटरवल में जो जो चेंजेज आती है वन पॉइंट से अदर पॉइंट में, टाइम इंटरवल को बोलने के लिए हम लोग चेंज ऑफ टाइम को इस तरह का सिंबल रखते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में चेंज ऑफ पोजिशन होगा, टाइम होगा, तो वो माना जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ उसी बात का है, उसी डायग्राम का चर्चा है। हाँ, इन फर्स्ट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड कार इज मूविंग फ्रॉम ऑटो बी एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर इन 5 सेकेंड। सिमिलरली इन द सेकेंड 5 सेकेंड इंटरवल कार मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, डिस्टेंस कवर इज 10 मीटर जो हम लोगों ने निकाला। तो टाइम और पोजिशन का इंटरवल फाइंड करके हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से डैट द कार इज स्पीडेड अप इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग ये उसी तरह सिमिलरली वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार इन द टाइम इंटरवल। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के आप रेस्ट एंड मोशन का यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखो, एक डू यू नो है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज द सेम ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट बाय वन ऑब्जर्वर एंड एज बीइंग इन मोशन बाय द अनदर ऑब्जर्वर। थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग का बात है यहाँ पे, थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग किस बात को लेकर के है, हाँ कि हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, कोई एक ऑब्जर्वर बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, कोई अनदर ऑब्जर्वर उसको बोला है कि मोशन में है, ये कैसे डिसाइड होगा। इफ टू फ्रेंड्स आर सीटेड नियर ईच अदर इन ए ट्रेन, हाँ ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे हुए दो फ्रेंड और ईच मे थिंक ऑफ अदर एज ए विंग एट रेस्ट, दोनों सोच रहा है कि वो रेस्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू हिम, ट्रेन में बैठा हुआ दो फ्रेंड, वो सोच रहा है कि वो रेस्ट में है और एक दूसरे का सोच रहा है कि वो रेस्ट में। However, they will both be regarded as being in motion by a person standing outside on the platform. लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा है और पैसेंजर जो बैठा है ट्रेन के अंदर में, वो दोनों पैसेंजर को उसको वो कहता है कि वो मोशन में। तो जो पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द प्लेटफॉर्म है उसको दोनों फ्रेंड जो ट्रेन में बैठा है वो रेस्ट में है, बट सेकंड ऑब्जर्वर विच हु इज आउटसाइड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व दैट बोथ द पैसेंजर्स आर इन मोशन। तो ये दोनों रेस्ट में है बट बोथ आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, बट द पैसेंजर आउटसाइड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व दैट बोथ आर इन मोशन। तो एक ही व्यक्ति दोनों के कारण दोनों मोशन में है लेकिन वो रेस्ट में है बिकॉज बोथ आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन और ट्रेन इज रनिंग, ऑब्जर्वर फ्रॉम आउटसाइड ऑब्जर्व दैट अलोंग विद द ट्रेन बोथ पैसेंजर्स आर आल्सो इन मोशन। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, डिसीजन लेते हैं अबाउट एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट क्या है, किस अवस्था में रेस्ट में है कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है, वो डिपेंड करता है वेरी मच ऑन द ऑब्जर्वर एंड द सराउंडिंग चिल्ड्रन। तो ये एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया गया था रेस्ट और मोशन का। अब देखिए यहां पर आपको एक एक्टिविटी दिया गया है रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। लुक एट द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवेन बिलो, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसको सोचना है। सेलेक्ट फ्रॉम 5 ऑब्जेक्ट दैट आर ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट और 5 अदर ऑब्जेक्ट दैट आर ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग इन मोशन। तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट कौन कौन है, मोशन में ऑब्जेक्ट कौन कौन है, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो माउंटेन, ठीक है, स्ट्रीट लाइट फॉल्स, बटरफ्लाई, मेट्रो रेल्स, टेबल्स, लीव्स
on a tree, fish in water, the hands of a wall clock, the moon, the hockey players playing a hockey match, houses, pictures hanging on a wall, bench in a garden, flower pot, a falling raindrops. अब इसमें आपको क्या छाटना है, कौन सा सिचुएशन, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, किसी फाइव ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट कैटेगरी में डाल लो। अब माउंटेन को लो सिंपलीस्ट में, माउंटेन को लोगे तो माउंटेन क्या है, ये रेस्ट कंडीशन में आ गया, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में आ गया। स्ट्रीट लाइट पोल्स घूम थोड़ी रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो ये आपको रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। स्ट्रीट लाइट पोल्स किस कैटेगरी में आएगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। आप इधर आ जाओ, इसमें कुछ निकाल लो, हाँ नंबर वन पॉइंट लो, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल क्या है, पटरी कहीं घूमता है, नहीं ना घूमता है, मेट्रो ट्रेन घूमता है, मेट्रो रेल नहीं घूमता, तो ये भी रेस्ट में जाएगा। हाँ टेबल्स, देखो अब टेबल में चक्का लगा रहेगा, उसको घुमाओगे तब घूमेगा, नहीं तो एक जगह रहेगा, टेबल एट रेस्ट। अब यहां पर देखो फिश इन वाटर, किसका एग्जांपल आएगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और घड़ी की सुई चलते रहती है, वो तो रुकी नहीं रहती है। हाँ द हैंड्स ऑफ ए वॉल क्लॉक, तो वॉल क्लॉक का जो हैंड्स है वो मूव करता रहेगा, अपना टाइम बताता रहता है। हाँ और द मून, मून क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है, मून का क्या सिचुएशन है, मून का क्या सिचुएशन है, अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है। दी मून नेचर है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। हॉकी प्लेयर क्या करता है, खड़ा रहता है थोड़ी हॉकी लेके, घूमता रहता है, खेलता रहता है, तो हॉकी प्लेयर्स प्लेइंग हॉकी, हाँ हॉकी प्लेयर्स प्लेइंग हॉकी, ये आपका एग्जांपल आ जाएगा मोशन में, हॉकी प्लेयर्स प्लेइंग हॉकी। तो इस तरह से ये आपका काम है, हॉकी मैच खेल रहा है तो, खेल रहा है तो वो मोशन में है, ठीक है। फॉलिंग रेन ड्रॉप मोशन में है, ये फॉलिंग रेन ड्रॉप बारिश की बूंद, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, मोशन में रहता है। हाउसेस क्या होते हैं, रेस्ट में रहते हैं, थोड़ी मूव करते रहते हैं। तो ये आपका एक कॉमन एग्जांपल्स है, और भी अदर एग्जांपल आप ले सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स आपका रेस्ट और मोशन का था। अब देखो यहाँ पे, हाँ एक और डू यू नो है कंसेप्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, हाँ नाइट स्काई में स्टार्स दिखा रहे, देखो द स्टार्स That may appear to be at rest to us. पूरा स्टार हम लोग को क्या लगता है, रेस्ट में लगता है, बट आर रियली फास्ट मूविंग, फास्ट, हाँ वेरी फास्ट इन डीड। दे अपियर एट रेस्ट बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बहुत ज्यादा दूर है हम लोग। वी देयर फॉर ऑब्जर्व वेरी लिटिल और नेग्लिजेबल चेंज इन देयर पोजिशन, जब चेंज इन पोजीशन ऑब्जर्व नहीं होगा तो हमको रेस्ट में फील होगा। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हिच मेड एंशिएंट फिलोसोफर्स थिंक ऑफ अर्थ बीइंग एट रेस्ट, पहले के जो बड़े बड़े फिलोसोफर थे वो अर्थ को रेस्ट में मानते थे, लेकिन अर्थ रेस्ट में नहीं है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑल हेवनली ऑब्जेक्ट एंड प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से ये, ऑल स्टार्स आर मूविंग वेरी फास्ट इन नेचर, ऑल इन द यूनिवर्स, बट दीज आर ऑल वेरी फार अवे एंड वी कैन नॉट ऑब्जर्व देयर चेंज इन पोजिशन,
एंड वी फील्स दैट ऑल स्टार्स आर एट रेस्ट। तो ये सारे रेस्ट ऑफ मोशन के एग्जांपल थे। ठीक है बच्चों।